बताता हूँ कि मैं ब्लाइंड हूँ और मैं फोन चला रहा हूँ, तो लोग कहते हैं ये कैसे कर लेते हैं आप। मैं स्मार्टफोन चलाता हूँ, आईफोन चलाता हूँ, मेरे पास दोनों फोन थे। मैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और सारे इवन इतने लगभग सब पर मेरा अकाउंट तो होगा ही, मैं नहीं चला रहा हूँ, वो बात एक अलग पर। सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूँ एसपीडी प्रणेश, आपका खुराफाती पत्रकार। और इस वक्त आज हम मना रहे थे लुईस ब्रेल दिवस। मेरे साथ में मौजूद हैं आशीष दुबे और इनसे मैं बात करूंगा, और बहुत से मिथ हमारे टूटने वाले हैं जो हमको लगता है कि कोई अगर ब्लाइंड है तो वो नहीं कर सकता या वो कैसे करे, वो जो मिथ है जो मेंटेन है वो कौन कौन से। सर पहली चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे मैं स्मार्टफोन चलाता हूँ, आईफोन चलाता हूँ, मेरे पास दोनों फोन थे। तो मैं जब फोन चलाता हूँ, मैं ट्रेवल कर रहा होता हूँ, तो लोग ऐसे देखते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं, जैसा लगता है कि मैं समाचार सुन रहा हूँ, लोग बोलेंगे आप क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हैं। उन लोगों को ये पता चलता है कि मैं अपना फोन एक्सेबल करूँ। जब मैं बताता हूँ कि मैं ब्लाइंड हूँ और मैं फोन चला रहा हूँ, तो लोग कहते हैं ये कैसे कर लेते हैं आप। उन लोगों को लगता है कि ये ब्लाइंड फोन नहीं चला सकते, कंप्यूटर नहीं चला सकते और ट्रेवल नहीं कर सकते। अकेले लखनऊ में कभी जाना हुआ या बाहर आउट ऑफ स्टेट जाना हुआ तो लोग मुझसे बहुत प्रश्न करते हैं कि आप घर में कोई है नहीं, आपको किसी ने छोड़ा नहीं, आप अकेले कैसे जा रहे हो। तो बहुत सारे लोग रोक रोक के मुझे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आशीष, इन लोगों को जो क्वेश्चन करते हैं हम इनको जवाब देते हैं। फोन सबसे पहले कैसे चलाते हैं एक बार लोगों को बता दीजिए। फोन में टेक्स्ट टू स्पीच एक सॉफ्टवेयर होता है, TTS होता है, जिसमें वो फोन में भी जो चीज लिख के आती हैं उनको रीड करके बताता है। कुछ भी स्क्रीन पे आएगा उसे रीड करेगा वो। और ये शायद हर स्मार्टफोन में होता है, वो हर एक स्मार्टफोन में होता है और आईफोन का सबसे बेस्ट होता है। तो वो हम खरीद सके और उसमें जाकर एक्सेसिबिलिटी फीचर में जाकर हम उसको ऑन करके आराम से यूज कर सकते हैं। आराम से यूज करते हैं और आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद। बिल्कुल, मैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और सारे इवन जितने लगभग सब पर मेरा अकाउंट तो होगा ही, मैं नहीं चला रहा हूँ, वो बात एक अलग पर। उसके बाद आती है बात कंप्यूटर की, तो वहाँ पर कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हेल्प करते हैं और आप लोग कैसे चलाते हैं। कंप्यूटर पे विंडोज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट टू स्पीच के माध्यम से यही जॉज और NVDA। जॉज के माध्यम से हमारे कई सारे मित्र जो बैंकों में जॉब कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे बड़े भैया हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं वो, उन्होंने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है और वो SBI बैंक में एम्प्लॉय हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब वो बैंक में जॉब पाना ही बड़ी चीज नहीं है, जॉब अपने काम को हिम्मत से साथ करना। और मेरे जानने वाले कई सारे लोग जो UPSC में तैयारी कर रहे हैं IAS के लिए और भी कई क्षेत्रों में, मैं भी एक अच्छा लीडर बनना चाहता हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं पॉलिटिशियन बनूं। तीसरी चीज जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे, आप लोग मूवी देख सकते हैं, आप लोग मूवी देखते हैं उसके बारे में बातें करते हैं, तो मूवी कैसे देखते हैं ये बहुत चौंकाने वाली बात होगी किसी और के लिए जो शायद नहीं जानता कि आप लोग देख सकते हैं। आपको मैं बताऊं, जब मैं मूवी देखता हूँ, मैं बचपन से मूवी देखने का, मेरी लास्ट मूवी मैंने जब देख मतलब जो देख रहा था, मैं जब से भी लास्ट मूवी कहना प्यार थी वो मैंने देखी थी। और उसके बाद से बिना आंखों के मैं जब मूवी देखता हूँ तो लोग को बड़ा आश्चर्य होता है कि यार तू कैसे मूवी देख जाता, तू क्यों इतने पैसे बर्बाद करता। लोग मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं और जो नए लोग होते हैं वो लोग ऐसे बोलते हैं। एक बार मैं अकेले चला गया मॉल में और मैं टिकट मांगा तो वो लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे मुझसे कि लगता है कि मैं कोई एलियन हूं, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं। और तो बड़ा लोगों को लगता है कि ये अलग चीजें हैं, ये नहीं देखने वाले लोग कैसे कुछ कर सकते हैं। बट उसके लिए एक ऐप है जो उसने NGO है दिल्ली में, उसने डेवलप किया है, भारतीय NGO है एक्सेसिबल सिनेमा, उसके माध्यम से हम एक्सेसिबल मूवी को करके देख सकते हैं और बहुत अच्छा ऐप है वो। जी आशीष, अपने बारे में बताइए, शुरू से जब आपकी लाइफ शुरू हुई तब क्या थी और कैसे कैसे चेंज है। जी सर, मेरा आशीष दुबे सर नाम है और मैं गोमती नगर, एक पहले वो तो गांव ही था, बड़ा भरवारा नाम था और गांव में रहता था। और मेरी उस समय अच्छी विजन थी और मैं पढ़ रहा था, ननिहाल में पढ़ाई के लिए गया था। घर वालों का एक विजन था कि मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। और धीरे धीरे मुझे ब्लाइंडनेस होती गई। मेरा एक सपना भी था कि मैं एक मॉडल बनूंगा, बट वो मॉडल सपना का तब टूट गया कि जब मैं टोटली ब्लाइंड हो गया। हम लोगों ने बहुत जांच कराया, दिखाया, नहीं हुआ सही। जब नहीं सही हुआ तो मैं घर पे बैठ गया, कुछ नहीं कर रहा था उसमें, नथिंग था मैं। फिर धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे बहुत मेरे दिल के करीब हैं, मेरे 4-5 फ्रेंड्स हैं जो बहुत हरदम मेरे साथ रहते हैं, और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। मेरे एक दोस्त लेकर मुझे NAB गया और NAB से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। मैंने क्लास 6 में एडमिशन कराया था
आज मैं सरगुना मिश्रा रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर में हूँ। उसके साथ साथ मैं ओ लेवल कर रहा हूँ, ट्रिपल सी मैंने लास्ट ईयर पास किया है, और भी मैंने सारे बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स करता रहता हूँ प्रॉपर। और मैंने यूएसए से साइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी का कोर्स किया हुआ है, उसमें मुझे ए ग्रेड मिला था 96%। तो मुझे मेरी एक अचीवमेंट थी, मुझे वो बूस्ट करते रहे मेरे रास्तों में, मुझे वो याद दिलाते रहे कि मैं आगे जा रहा हूँ। मेरी मोबिलिटी बहुत खराब थी, और ब्लाइंड के लिए सबसे अहम चीज होती है जो उसकी मोबिलिटी होती है, वो जब मूव करने लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तब उसकी एक लाइफ स्टार्ट होती है। और मोबिलिटी सीखा, मैं बॉम्बे गया हूँ तो मोबिलिटी ट्रेनिंग करी मैंने जी। ट्रेनिंग के बाद अब मैं घूम सकता हूँ, मैं अकेले दिल्ली, अकेले बॉम्बे, हर जगह जा सकता हूँ अपनी स्मार्ट केन के थ्रू। स्मार्ट केन एक्सेस होती है, उसमें मैं उसके थ्रू चलता हूँ, और मैं फोन में गूगल मैप का यूज करता हूँ। अच्छा, और भी कई सारे ऐप हैं जिनके थ्रू मैं अच्छे से मूव करता हूँ। मेरा सपना जो था मेन, वो है अभी मेरा सपना यही कि मैं कुछ पॉलिटिक्स में करूँ। लोगों को ये मानना रहता है कि पॉलिटिक्स में गंदी है, पॉलिटिक्स लोग गंदे हैं, गंदी काम होता है, नहीं जाना चाहिए। बट मुझे लगता है कि गंदा हो या सही, जब हम खुद जाकर उसमें कुछ अच्छा करेंगे तब अच्छा हो सकता है। हमको अपने पर विश्वास होना चाहिए, लोगों की बातों और उस पर कहने करने पर नहीं। अगर से राइटिंग कंपटीशन में मैं जापान में ऑनलाइन यहाँ से हुआ था, और नैब इंडिया ने मुझे उसके लिए बताया था, उसके माध्यम से मैंने एक एस्से लिखा था जो मैंने ऑनलाइन लिख, पहले मैंने मेल पे उनको लिखकर भेजा, फिर उनको मैंने ब्रेल में लिखकर भेजा जी। और उस लिख कर भेजने के बाद उन्होंने मुझे पूरे एशिया के सारे देशों के उसमें बच्चों ने भाग लिया था, ब्लाइंड बच्चों ने, और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज इंडिया को जिताने का मौका मिला, और जापान में मेरा नाम वहाँ पे लिखा गया। अभी एक किताब छपती है बॉम्बे में जो ब्रेल में किताब छपती है, उस किताब में मेरा एस्से और मेरा नाम छापा गया है। आज ब्रेल डे मना रहे थे जी, कि ब्रेल क्या है शायद हमको या बाहर के लोगों को नहीं पता जी, एक रफ आइडिया लोगों को दे दीजिए कि ब्रेल क्या होती है। ब्रेल एक ये बहुत बड़ी भ्रांति हमारे समाज में है, इवन मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई तो ब्रेल वाली पढ़ाई है, तुम ब्रेल पढ़ते हो। उन लोगों को ये नहीं मालूम कि हम नॉर्मल जैसे आम लोग बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, जैसे नॉर्मल लोग अपनी पढ़ाई करते हैं उसी तरह हम लोग भी करते हैं। ब्रेल हमारी वह पद्धति होती है जो जिससे कि हम पढ़ने और लिखने का कार्य करते हैं, जिससे आप नोट्स बनाते हो, आपकी जैसे लिपि होती है देवनागरी, उसी तरह हमारी एक ये लिपि है, ब्रेल एक लिपि है जी। तो उसे एक लिपि है जिसके माध्यम से हम अपनी पढ़ाई करते हैं। हाँ, ये हमारे प्रारंभिक शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, हमें चाहिए कि शुरुआत में हम जरूर पढ़ें, और उसके बाद धीरे धीरे मैं जो कि मैं रिसेंटली ब्लाइंड हुआ, बीच में ब्लाइंड हुआ जी। तो मैं शुरुआत में ब्रेल तो नहीं पढ़ा, अभी मैं ब्रेल पढ़ रहा हूँ, मुझे ब्रेल अच्छी लगती है, मैं पढ़ता भी हूँ, बट मैं ब्रेल कम पढ़कर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा जाए, और टेक्नोलॉजी जो हमें एक घर से पूरे विश्व तक जोड़ती है। आप फेसबुक से जुड़े हो, आप इंस्टा से जुड़े हो, आप पूरे विश्व में आप माओ जगरबर्ग क्या कर रहे हैं और ट्रंप क्या हुआ, मतलब सबके बारे में आप जानकारी रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है, और जुड़कर आप समाज से जुड़ सकते हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे जैसा कोई भी लड़का देखो तो आप ये जरूर सोचो कि अब ब्लाइंड वैसे नहीं रहे, अब वो ब्लाइंड नहीं है जो हाथ में कटोरा लेकर, हो सकता है अभी भी होंगे, बट सर हम जैसे भी ब्लाइंड हैं, आप अवेयर करें, लोगों को बताएं कि अच्छे लोग भी, जो लोग अच्छे पढ़े लिखे आईएएस भी हैं ब्लाइंड, हमारे देश में बहुत सारे आईएएस हैं जो ब्लाइंड हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं, डीएम हैं, और मैं भी हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, और मैं अपने सहकार करता हूँ, आप हमें देखकर हमारी आवश्यकता पर हमारी मदद करें, मदद इन द सेंस आप हमारे कार्य में हमें सहयोग दें, और हमें किसी की दया नहीं चाहिए, हमें आपका सहयोग चाहिए।